नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस 49,568 पदों पर रिजल्ट को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। आपके इंतजार की घड़ी लगभग खत्म हो चुकी है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को पूरी देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिजल्ट की पल पल की अपडेट को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज यानी कि 17 नवंबर को शाम के टाइम में बहुत ही बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है और एक ही नहीं बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं जिनके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन अपना रिजल्ट सबसे पहले देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाना होगा। आप लोग इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल पोस्ट रिजल्ट है 2019 के लिए। यहाँ पर आपको बता दें कि 49,568 पदों पर भर्तियाँ आई थी जिनके लिए आप लोगों ने एग्जाम दिया था और अब आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि सबसे नीचे चले जाना है और यहाँ पे नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्टेंट लिंक का, जहाँ पर आपको बताया गया है कि चेक 49,568 पोस्ट कांस्टेबल रिजल्ट जैसे ही जारी किया जाएगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग फाइनल अपडेट देख सकते हैं। संडे नवंबर 17, 2019 को बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट 2019, इनके अकॉर्डिंग सोमवार यानी कल के दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। यूपी PRPB 49,000 सिपाही भर्ती का परिणाम जल्द यानी कि यहां पे सारी जानकारी आपको बताई गई है। एक नोटिस जारी किया गया यहाँ पे देख सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह की शुरुआत में आ सकता है। इनके कहने का मतलब है कि आज तो हो गया संडे लेकिन अगले सप्ताह की शुरुआत यानी कि सोमवार को आ सकता है और यहाँ पे शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के मृतक आश्रित के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती 2019 का चयन परिणाम घोषित किया गया था। अब बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में यूपी पुलिस सिपाही के 49,568 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके जो लिखित परीक्षा के परिणाम हैं वो 2 से 3 दिनों में घोषित कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे सारी जानकारी बताएगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पल पल की अपडेट को देखने के लिए नौकरी खबर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।